लेकर आपको बताते हैं, जिला परिषद और पंचायत समिति के लिए आज आखिरी चरण का मतदान है जो कि चल रहा है। जिला परिषद और ब्लॉक समिति के लिए वोटिंग जारी है। 25 नवंबर को फिर पंच और सरपंच पद के लिए मतदान होगा। आज जिला परिषद और पंचायत समिति के लिए हो रहा है, ब्लॉक समिति के लिए हो रहा है। पलवल, हिसार, फरीदाबाद और फतेहाबाद, ये चार जिले हैं जहां पर वोटिंग चल रही है। आज शाम 6 बजे तक ये वोटिंग जारी रहेगी, चलती रहेगी। मतदान केंद्रों के बाहर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। कल ही पोलिंग पार्टियों को रवाना कर दिया गया था। फतेहाबाद में 629 और फरीदाबाद में 311 बूथ हैं। हिसार क्योंकि बड़ा जिला है, 1020 बूथ हैं और पलवल में 702 बूथ बनाए गए हैं। लोगों में मतदान को लेकर भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। फतेहाबाद में सबसे ज्यादा मतदान अभी तक देखने को मिला है। सबसे कम वोटिंग अभी फरीदाबाद में देखने को मिल रही है और फरीदाबाद में 5 और फतेहाबाद में 10% मतदान अभी हुआ है। वहीं हिसार में 6% और पलवल में 8% वोटिंग हुई है अभी तक। पंचायत चुनाव के आखिरी चरण के लिए मतदान आज चल रहे हैं। हाँ जी, वोट डाल दिया। कैसा उम्मीदवार के लिए वोट डाल दिया? बहुत ही बढ़िया, शिक्षित, जो शिक्षा के बारे में, बेरोजगारी के बारे में, गांव के विकास के बारे में सोचे, उसी के लिए वोट है। बहुत शांतिपूर्ण, बहुत बढ़िया हिसाब से माहौल है। देख सकते हैं लोग, तमाम जो लोग हैं वो वोट देने के लिए यहाँ पहुँचे हैं, वोट देने के लिए पहुँच रहे हैं। आज के करीब जिला परिषद और ब्लॉक फरीदाबाद के गांव जाजरू में हम इस समय खड़े हैं और आप देख सकते हैं कि जो वोटिंग है वो शुरू हो चुकी है। तमाम जो लोग हैं, महिलाएं हैं चाहे पुरुष हैं, वो यहां वोट देने के लिए पहुंच रहे हैं। आज के करीब जिला परिषद और ब्लॉक समिति के सदस्यों के लिए वोटिंग हो रही है। आप देख सकते हैं कि जिले में करीब 10 वार्ड हैं जिला परिषद के और करीब 60 जो हैं ब्लॉक समिति हैं उनके लिए हैं। आप देख सकते हैं लोग, तमाम जो लोग हैं वो वोट देने के लिए यहाँ पहुँचे हैं। कहीं ना कहीं लगातार सुबह से ही वोट देने के लिए लोगों में उत्साह दिखाई दे रहा है और लगातार जो बूथों पर है वो आप देख सकते हैं, पूरी भीड़ यहां पर आपको दिखाई दे जाएगी। जो वोट देने के लिए पहुंचे, लोगों में काफ़ी उत्साह है ताकि उनके गांव का विकास हो और लोगों को राहत मिले। कहीं ना कहीं जिस तरीके से पिछले 2 साल के बाद अब पंचायतों के जो चुनाव हो रहे हैं तो उनसे कहीं ना कहीं विकास पर का पहिया था जो रुकता हुआ नजर आया था। क्या नाम है आपका, वोट दे दिया आपने? हाँ जी, वोट गिर गया हूँ मैं, देवेंद्र ठाकर मेरा नाम है और ये मैंने वोट आज विकास के नाम पे किया है। मैंने शिक्षित और युवा और जो जो कर्मठ हैं, जो कुछ काम कर सकते हैं, मैंने उनके नाम पे वोट दिया है। तो चाहते हैं कि विकास होगा? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत जोर से चाहते हैं जी विकास हो, कि पंचायत सिर्फ ऐसे ना हो कि कैंडिडेट आए और चले जाएं, 5 साल लोग उन्हें कोसते रहें। हर बार ऐसा होना चाहिए कि सिर्फ विकास और विकास के नाम पे वोट हो, जो विकास करेगा उसको वोट्स भी मिलेंगे हर बार। आपने भी वोट डाला है? हाँ, डाल दिया जी। मेरा नाम बाबू मौर्य जी, मैंने भी अपना विकास जो करेगा उसकी वोट दी है और उम्मीद है कि गांव में अच्छा, पहले भी, इससे पहले भी अच्छा सरपंच ने विकास किया है। आप क्या मानते हैं कि अब और अच्छा विकास होगा? और अच्छा होगा, अच्छा सोच के साथ, ये सोच के दी है वोट। आपने क्या सोच रखी है वोट देते? बस गांव का विकास होना चाहिए जी, हम तो ये कहते हैं और मैंने अपना वोट डाल चुका हूं मैं भी, और हम तो कहते हैं कि भाईचारे में बहुत प्यार से वोट डालनी चाहिए और गांव का पूरा विकास होना चाहिए, कहीं कोई कमी नहीं आनी चाहिए। पीछे भी काम हुआ और आगे भी काम अच्छा होगा, कोई दिक्कत नहीं है जी यहाँ पे। तो कहीं ना कहीं कोई दिक्कत नहीं है और लोग जो है अच्छे और जो सच्चा ईमानदार और कर्मठ और शिक्षित युवा है उनको जो है चुनने के लिए पहुंच रहे हैं। साफ तौर पर कहें तो लोग चाहते हैं कि विकास हो। और सुरक्षा की अगर हम बात करें तो तमाम जो पुलिस कर्मी आप देख सकते हैं कि सुरक्षा में तैनात हैं और पूरी तरह से जांच के बाद अंदर आने दिया जाता है और लगातार जो है शांतिपूर्ण तरीके से जो है वोटिंग की जा रही है। और साफ तौर पर कहें तो लगातार प्रशासन ने भी दावे किए थे, तो कहीं ना कहीं लोग अभी शुरुआती दौर है और काफ़ी भारी संख्या में लोग वोट देने के लिए उमड़ रहे हैं। फरीदाबाद से हरियाणा न्यूज़ के लिए राजेंद्र दहिया। इस समय हम मौजूद हैं तिगाम गांव में, जहां पर वोटिंग, जो मतदाता जो वोटिंग डालने के लिए सुबह से ही शुरू हो चुके, आप देख सकते हैं यहां पर, यह जहां पर जो गांव के लोग हैं यहां पर वोटिंग डालने के लिए आ गए हैं। और कहीं ना कहीं 10 जो जिला परिषद के 10 वार्ड थे और 60 वार्ड ब्लॉक समिति के हैं, जो गाँव के विकास के लिए यहाँ पर लोग वोट डालने के लिए आए हैं। और कहीं ना कहीं लोगों से बात करेंगे, काफ़ी उत्साह देखने को यहाँ पर लोगों को मिल रहा है, बात करने की कोशिश करेंगे। अंकल,
क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम सतवीर है जी। वोट डाल दिया आपने? हाँ जी, वोट डाल दिया। कैसा उम्मीदवार के लिए वोट डाल दिया? बहुत ही बढ़िया, शिक्षित, जो शिक्षा के बारे में, बेरोजगारी के बारे में, गांव के विकास के बारे में सोचे, उसी के लिए वोट है। हाँ, बहुत शांतिपूर्ण, बहुत बढ़िया हिसाब से माहौल है। तो कहीं ना कहीं जो लोग हैं काफी उत्साह, इनको वोटिंग डालने में उत्साह देखने को मिल रहा है। और पुलिस वाले की बात करें तो पुलिस वाले के द्वारा यहाँ पर पूरी सुरक्षा का इंतजाम यहाँ पर किया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं आप साफ तौर पर जो गेट पर काफ़ी पुलिस वाले यहाँ पर तैनात हैं। और कहीं ना कहीं जो 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 वोटिंग जगह कोई किसी संग कोई होनी है, कोई लड़ाई झगड़ा ना हो, उसको रोकने के लिए यहाँ पर पुलिस के द्वारा यहाँ पर काफ़ी सुरक्षा यहाँ पर की जा रही है। और साफ तौर पर यहाँ पर एक एक जो व्यक्ति को यहाँ पर अंदर चेक करके यहाँ पर भेजा जा रहा है। और जो कहीं ना कहीं जो गाँव के लोग हैं काफ़ी यहाँ पर पहुँच रहे हैं वोट डालने के लिए। जो दो साल से जो विकास जो कार्य इनका रुका हुआ था, उसी को लेकर यहाँ पर वोटिंग डालने का काम यहाँ पर किया जा रहा है। तो काफ़ी लोगों में उत्साह यहाँ पर देखने को मिल रहा है। हरियाणा से जितेंद्र बेनीवाल।